प्रदेश की शिवराज सरकार के नवागत राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सिवनी पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे गौरीशंकर बीसेन का नाम लेकर भावुक हो गए। मध्य प्रदेश शासन के नवनियुक्त राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे शिव की नगरी सिवनी के प्रथम आगमन पर समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिवनी बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय, मुनमुन एवं केवलारी विधायक राकेश पाल, जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, जयदीप चौहान ने छिंदवाड़ा बॉर्डर पहुंचकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने सिवनी कलेक्टर और एसपी के साथ कुछ घंटे बैठक ली। साथ ही राज्य मंत्री ने सिवनी जिले को संभाग बनाने एवं सिवनी के विकास कार्यों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे गौरीशंकर बिसेन का नाम लेकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज जो मंत्री पद मुझे मिला है वह मेरे पिता तुल्य की देन है। उसके बाद भी आप लोग भीड़ में आप लोग दिख रहे हैं और शहर में मिले हैं, उस समय और अच्छा महसूस होता जब इस महामारी में यह स्वागत ना करते होते। आज आपको पूरा शहर, हर गली हर चौराहे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आपको स्वागत अभिनंदन के लिए यहां पर एकत्रित होता। लेकिन जो भी टूटा फूटा हमारे जिले से बना है उसमें भी आपके स्वागत में बंधन में जो भी कमी है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मजबूर हो गए इस बात के लिए कि नहीं, बालाघाट से हमारा कहीं ना कहीं गहरा संबंध तो हो चुका है और आज जब नानू भाई मंत्री बने, सिवनी को यह अवसर नहीं मिला तो दुख तो अपनी जगह है, लेकिन नानू कावरे जी के बनने से हमने वैसा ही महसूस किया कि हमारा सिवनी का भाई है। गौरीशंकर बिसेन जी का इस जिले में आना जाना और यहां के लोगों से बड़ा निरंतर संपर्क बना रहा, जिसके चलते लोगों ने उनको कभी अपने से अलग नहीं माना। आज का ये जो पल है मेरे लिए निश्चित रूप से एक शक्ति और एक ताकत और एक ऊर्जा के साथ में, जिस प्रकार से आपने आत्मीय अभिनंदन मेरा किया है। सिवनी नगर प्रथम आगमन पर आप क्या कहेंगे भाई साहब? आज आप सिवनी आए, आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत स्वागत किया। आज सिवनी में मंत्री शपथ लेने के बाद पहली बार मैं यहाँ आया, क्योंकि सिवनी से मेरा आत्मीय लगाव है। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में सिवनी जिला में युवा मोर्चा के सभी हमारे भाइयों के साथ में मैंने काम किया है। आज जिस प्रकार से हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार से आत्मीय स्वागत मेरा किया है, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ और मुझे एक ताकत एक शक्ति प्राप्त हुई है। जो जवाबदारी पार्टी ने मुझे दिया है उस जवाबदारी पर मैं निश्चित रूप से खरा उतरने का काम करूंगा। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं परेशान है, देश परेशान है, प्रदेश परेशान है, लेकिन इस समय में आयुर्वेद का जो बड़ा विभाग मेरे पास में है, हम आयुर्वेद के माध्यम से इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे और कोरोना को जड़ से ख़त्म करने का हम काम करेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस 100 दिन में कोरोना को काबू करने का काम किया है और उनका संकल्प है कि हम कोरोना को जड़ से खत्म करें। क्या सिवनी जिला संभाग बन पाएगा? हम सब लोगों की इच्छा है, हमारे तमाम विधायक जी, हमारे मुनमुन भैया, हमारे केवलारी के विधायक जी, हमारे सांसद जी, सब लोगों की इच्छा है कि सिवनी संभाग बने। हमारे देश के मुख्यमंत्री जी से उनका चर्चा भी हुआ है और आने वाले समय पे बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आएगा। सब लोगों की मनसा है कि सिवनी संभाग बने, सिवनी संभाग निश्चित रूप से बनेगा।
राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिवनी से उत्तम सैन की रिपोर्ट।